वालेकुम फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तन्नू मन्नू किचन में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड कैसे हो आप सभी लोग? दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ पर भी हो स्वस्थ हो, सेहतमंद रहो, खुश रहो, खुशियाँ फैलाओ, और आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड अभी फिलहाल सर्दियाँ बहुत बढ़ चुकी है और बहुत तकलीफ हो रही है हम सभी को, खासकर बच्चों और बड़ों को बहुत ही, मतलब यहाँ पर सर्दी बढ़ चुकी है। तो हमारा अप्पू को भी सर्दी लग चुका है, इसको देखिए कितना मतलब किस तरीके से भी बेटा है टिप टॉप होकर। तो फ्रेंड इतनी कड़कती हुई सर्दी में हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भक्का पीठा शेयर करें। और बंगालियों में भक्का पीठा को कहते हैं भापा पीठा, धुकी पीठा, धुपी पीठा, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पर मतलब लिक्विड खजूर का गुड़ मिलता है जो उसके संग खाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही लाजवाब लगता है खजूर गुड़ के साथ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर चलिए सबसे शुरुआत करते हैं। हमारे घर में मेंबर ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर देखिए 1 किलो चावल का आटा मैंने लिया है, लेकिन आप लोग घर के अपने मेंबर के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 किलो चावल में अभी मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए इसको मैं मिलाऊंगी, अच्छे से मिलाऊंगी जिससे कि नमक चारों ओर मिल जाए। और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है, इससे इसको गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही इसको मिक्स करना है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर गिर जाएगा तो पूरा डो बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो डो है तैयार कर लिया है, और इसको आटा जैसे गूंथते हैं ना उस तरीके से नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दरदरा तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए गूंथ लिया है। देखिए हम लोगों को इस तरीके से रखना है, देखिए देखिए बिल्कुल दरदरा है। अब हम क्या करेंगे, चलनी के सहायता से इसको चाल लेंगे। देखिए कितना बारीक तरीके से निकल रहा है, बिल्कुल रवा के जैसे। अब इसको अच्छे से चाल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हम लोग जाली में कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के घर पे ये जाली नहीं है, आप लोग अगर इस तरीके का नेट का कपड़ा लेकर भी करोगे ना, इससे भी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर होता है और जल्दी भी होता है। क्योंकि इस कपड़े में अगर करूँगी तो मुझे एक और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें करूँगी तो मैं अकेले में इसको इस तरीके से चाल सकती हूँ। और देखिए कितना ड्राई होता है, देखिए इस तरीके का ड्राई होना चाहिए, इस तरीके से रवा बिल्कुल रवा के जैसे लग रहा है। देखिए इसको हमने चालनी से चाल लिया है, प्याली लिया है स्टील का। अब इसमें मैं ऑयल मिला लूँगी, और फ्रेंड मेरा चूल्हा भी जल चुका है, तो अभी चलिए इसको स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा यहाँ पर चूल्हा जल चुका है, और हमने पतीला भी चढ़ा दिया है, इसमें पानी डालकर और एक कॉटन का कपड़ा से इसको कवर कर लिया है। तो फ्रेंड सफ़ेद कलर का कॉटन का कपड़ा नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पर देखिए अभी कलरफुली मतलब कॉटन का कपड़ा लिया है। अब इसको हमने ढक दिया था, और देखिए इसका जो भाप है वो भी अच्छी तरीके से निकल रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए मैंने जो यहाँ पर प्याली पर देखिए ऑयल लगाया था, अब हल्के हाथों से इसको पूरा रख देंगे इसमें। अब इसको हल्के हल्के हाथों में दबाएंगे, ज्यादा नहीं दबाएंगे। ये मैं यहाँ पर पतीला पर इसको इस तरीके से हल्के हाथों से रख देंगे, ये इसको हल्के हाथों से उठा लेंगे, और यहाँ पर ढक्कन से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए भक्का पीठा हो रहा है, और वहाँ पर देखिए माँ भी मतलब चलता की चटनी बना रही है, माँ को इतना टेस्टी लगा था, माँ फिर से बना रही है। हाँ आयत खाएगी। ये हमने यहाँ पर 3 मिनट तक स्टीम होने के लिए रखे थे, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुका है। देखिए
बहुत ही आसानी से उड़ जाता है फ्रेंड्स। और गर्मा गर्म भक्का पीठा तैयार है, अब इसको रख देंगे। तो अभी सेम प्रोसेस में बाकी सबको भी बना लेंगे। तनु हुआ है कि नहीं? भाभी बाकी है, अभी भी बाकी है। तो फ्रेंड देखिए, सेम टू सेम ये इडली के जैसे दिखता है पर इडली है नहीं। देखिए कितना स्पंजी स्पंजी बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खजूर का गुड़ जो बहुत स्वादिष्ट होता है हमारे गांव पर मिलता है, इसके साथ भक्का पीठा खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए तो देखिए कितना स्पॉन्जी हुआ है, गुड़ के संग बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। अभी कुछ बाकी है तो मैं भी बना रही हूँ। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे तो खाने लग गए। देखिए आज कैसा बना बेटा? कैसा बना? तो फ्रेंड आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।